आज इस मिसाल जुलूस के पीछे और इस इन्विटेशन के पीछे वजह क्या है, क्या रामायण की एक चौपाई है, बिना न मानत जल जल गए तीन दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होइन प्रीत। हिंदू जनमानस आज खड़ा हो गया है, हिंदू जनमानस को केवल उसकी एक प्राथमिकता दिख रही है कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। इसके लिए सरकार और कोर्ट जो भी संवैधानिक दायरे में आकर के जो भी रास्ता निकल सकता है उसके रास्ते से राम मंदिर का निर्माण कराए। आज हिंदू जनमानस की यह आवाज़ है, यही आवाज़ आज गोरखपुर के सड़क से उठ करके 25 नवंबर को अयोध्या के कण कण में भूम भूम पर एक इंच भी जगह नहीं दिखेगी, राम मंदिर के राम भक्तों के रूप में वहाँ पर हम लोग हर लाखों की तादाद में पहुँचने वाले हैं। देखिए फोर्स भी लगा दी गई है, क्या लगता है इस पूरे प्रयास से कुछ निष्कर्ष निकलेगा या फिर जस्ते तस्ते कर रहेगा? जब बच्चा भूखा होता है तो उसको केवल एक मात्र भूख मिटाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। आज राम भक्तों को कुछ भी लगे, आज उनको राम मंदिर चाहिए और वो राम मंदिर जिस भी तरह से मिले वो राम मंदिर लेने के तैयार हैं। जय श्री राम। हिंदू का चेहरा माना जाता है और राम मंदिर को लेकर के ही उनका मुद्दा भी रहा है, लेकिन आज दोनों जगह सरकारें बीजेपी के, फिर भी वक्त इतनी देरी क्यों लगती है? जन्म के समय से ही विश्व हिंदू परिषद राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ रहा है, विश्व हिंदू परिषद सदैव राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ता है और जब तक दिव्य मंदिर वहां दम नहीं बन जाएगा विश्व हिंदू परिषद जनपजंग दल के कार्यकर्ता सदैव संघर्ष करते रहेंगे। वो हमारे सहयोगी पार्टी हैं, हमें उनसे बड़ा उम्मीद है। हम लोग उनसे निवेदन कर रहे हैं कि संविधान के दायरे में अध्यादेश ला के या कानून करके किसी भी तरह से राम मंदिर का निर्माण शीघ्र कराएं, ये हिंदू जनमानस का उनसे निवेदन है। अभी आप सबको रास्ते में एक कार्ड भी दे रहे हैं, क्या कुछ है उस कार्ड में? राम जन्मभूमि पर अभी तक क्या हुआ है उसके बारे में जानकारी है। उन आम जनता को राम मंदिर के पूरे फैसले हुए हैं उससे रूबरू कराया जा रहा है कि उनको बताया जा रहा है क्या क्या हुआ है, और आने वाले 25 नवंबर के लिए आह्वान है उसमें।